ओके सो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू कवर आवर सेवेंथ चैप्टर फ्रॉम सेक्शन ए दैट इज लेट अस नॉट फॉरगेट द मार्टियर्स. ठीक है, तो हमने कल इसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर ली थी एंड आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बेटा इट हैज बीन टेकन फ्रॉम विकिपीडिया. ओके, दीज आर फैक्ट्स एंड दीज हैव बीन टेकन फ्रॉम विकिपीडिया, दैट इज द सोर्स. नाउ लेट अस बिगिन. मेजर सोमनाथ शर्मा 1923 to 1947 was the first recipient of the Paramveer Chakra, the highest gallantry award. He was awarded the medal posthumously for his bravery in the Kashmir operations in November 1947. Now, I need not explain this portion. It is pretty evident and clear. ठीक है, तो वो सबसे पहले रिसिपियंट थे. रिसिपियंट मीन्स रिसीवर. तो सबसे पहले उनको ये परमवीर ये जो अवार्ड है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो उनको मिला था फर्स्ट. एंड ये पोस्थमसली मिला था. पोस्थमसली मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब आफ्टर द मार्टिरडम, आफ्टर द डेथ. ठीक है, एंड किस चीज़ के लिए मिला था ये? कश्मीर में जो ऑपरेशंस हुए थे 1947 के टाइम पे, उस उनमें उनकी ब्रेवरी के लिए उनको ये अवार्ड मिला था. He died while evicting Pakistani infiltrators and raiders from Srinagar airport during the Indo-Pak War of 1947 and 48 in Kashmir. Evicting क्या होता है? Evicting means forced to leave. तो infiltrator क्या होते हैं? Secret mission. ठीक है, तो सीक्रेट मिशन पे ये जो थे लोग, ठीक है, पाकिस्तान से, उनको वो एविक्ट करा रहे थे, मतलब उनको बाहर निकाल रहे थे श्रीनगर एयरपोर्ट से. एंड उस समय पे उन वो शहीद हो गए थे. एंड ही बिलोंग टू द फोर्थ कुमाऊं रेजिमेंट. तो बहुत सारे रेजिमेंट्स होते हैं सेना में, तो ये कौन सी रेजिमेंट से थे? फोर्थ कुमाऊं रेजिमेंट से. इसको अंडरलाइन करिए. नाउ Major Somnath Sharma was born on 31st January 1923. तो बेटा ये जो जितनी भी सबकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये आप अंडरलाइन कर लेना विदाउट इवन टेलिंग मी टू डू सो. ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न एट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, इंडिया. ही केम फ्रॉम अ वेल नोन मिलिट्री फैमिली. हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा वॉज ऑल्सो अ मिलिट्री ऑफिसर. And his company was airlifted to Srinagar on 31st October 1947. ठीक है, तो उनकी कंपनी मतलब उनके साथी जो थे उनकी उनको एयरलिफ्ट किया गया था. एयरलिफ्ट समझते हो ना, जब जहाज की मदद से, हेलीकॉप्टर्स की मदद से उनको वहां से उस किसी जगह से निकाला जाता है, वहां से एयरलिफ्ट किया जाता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ द हेलीकॉप्टर. His right hand, underline, was in a plaster cast as a result of injuries sustained in the hockey field previously. तो जब वो इस मिशन पे गए हैं तो उनका राइट हैंड जो था वो ऑलरेडी प्लास्टर्ड था. क्यों? क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी, चोट लग गई थी हॉकी फील्ड में पहले ही. But he insisted on being with his company. लेकिन फिर भी उन्होंने जोर दिया, he forced that उनको उनके साथियों के साथ जाना है इस मिशन पे. In combat, combat क्या होती है? Fight, battle. तो battle field पे हमें जाना ही है. And was given permission to go. तो इसलिए उनको भेज दिया गया था. हुआ क्या था? On 3rd November 1947, Major Somnath Sharma's company was ordered on a fighting patrol to Badgam village in the Kashmir Valley. A tribal lashkar of 700 raiders approached Badgam from the direction of Gulmarg. So, क्या हुआ था? 1947 की बात है. उनकी कंपनी को ऑर्डर मिला था, उनके साथ उनकी जो टुकड़ी थी सेना की, उनको क्या ऑर्डर मिला था कि उनको वो पेट्रोल पे थे. पेट्रोल क्या होता है? जब आप गार्ड करो किसी जगह को, ठीक है, तो वहाँ पे दे आर ऑन फाइटिंग पेट्रोल.
एंड तभी अ ट्राइबल लश्कर ऑफ 700 रेडर्स अप्रोच्ड बदगाम। तो लश्कर क्या होता है? ग्रुप। तो एक ग्रुप ऑफ 700 रेडर्स जिन घुस बैठे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गुलमर्ग की साइड से बदगाम की तरफ वो आ रहे थे। द कंपनी वाज सून सराउंडेड बाय द एनिमी। तो उनकी जो टुकड़ी थी सेना की, मेजर सोमनाथ शर्मा की, उनको घेर लिया इन 700 रेडर्स ने तीनों साइड से एंड सस्टेन्ड हैवी कैजुअलिटीज फ्रॉम एंसुइंग मोर्टार बॉम्बार्डमेंट। और उन पे हमला कर दिया दुश्मन ने, ठीक है। कैसे सस्टेन्ड हैवी कैजुअलिटी? कैजुअलिटीज बेटा क्या होती हैं? कैजुअलिटीज आर डेथ्स ऑफ कॉमन पीपल। जो नॉर्मल लोग, जो लोग होते हैं, जब वो किसी बैटल में, किसी वॉर में मरते हैं, उनको कैजुअलिटीज कहते हैं। तो बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, मतलब उन्होंने, जो दुश्मन था, उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। बम्बार्डमेंट क्या होती है? बमबारी, ठीक है। तो मोर्टार क्या होते हैं? गोले जो फेंकने। तो उन्होंने बमबारी शुरू कर दी थी। अंडर हैवी फायर एंड आउट नंबर्ड 7-1 अंडर लाइन, सोमनाथ अर्ज हिज कंपनी टू फाइट ब्रेवली। एक तो इट वॉज अनकॉल्ड फॉर, क्योंकि इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और देवर आउट नंबर, मतलब ये बहुत कम थे, इनकी टुकड़ी में बहुत कम सैनिक थे और उधर से वो 700 थे। तो दे आउट नंबर्ड आवर सोल्जर्स टू 1-7, मतलब 7-1। तो यहाँ पे एक सैनिक था और उधर से 7 लोग एक सैनिक के पीछे थे, तो बहुत ज़्यादा आउट नंबर थे, बहुत ज़्यादा भारी संख्या में थे वो इनके मुकाबले। तो इसीलिए मेजर सोमनाथ अर्ज हिज कंपनी टू फाइट ब्रेवली, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऑफन एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू डेंजर एज ही रैन फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट। तो पोस्ट समझते हो, तो बाउंड्रीज बनाई होती हैं, जैसे चाहे बोरी रख के या कुछ भी रख के, सो दैट वो गोलियों से बच सके। तो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जा रहे थे वो, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था। क्यों जाना पड़ रहा था? क्योंकि they were very less in number as compared to the enemy. Now, when heavy casualties adversely affected the firing power of his company, Major Sharma, with his right hand in plaster underline, took upon himself the task of filling the magazines and issuing them to men operating light machine guns. So, jab itni zyada casualties badh rahi thi, मतलब बहुत सारे मौत हो रही थी वहाँ पे इस फायरिंग में, तो मेजर शर्मा ने क्या किया, ही टुक अपॉन हिमसेल्फ द टास्क। टास्क क्या होता है? काम। तो उन्होंने जो फिलिंग मैगजीन्स, मैगजीन क्या होती है बेटा? एक जो जो बंदूक होती है, ठीक है, राइफल होती है बड़ी सी, उसमें जो गोलियाँ पड़ती हैं वो क्या होती है, एक बेल्ट की फॉर्म में होती हैं। आपने शायद देखी होगी, जो नॉर्मली उन्होंने शोल्डर पे भी टांगी होती हैं, तो उस जो बेल्ट होती है फिल्ड विद क्या बुलेट्स, उसको क्या बोलते हैं? मैगजीन, ठीक है। तो उन्होंने वो उन राइफल्स में मैगजीन्स भरने का टास्क खुद पे ले लिया, जबकि उनका राइट हैंड अभी भी प्लास्टर में था। स्टिल ही टुक दिस जॉब अपॉन हिमसेल्फ एंड इशूड द मैन टू ऑपरेट लाइट मशीन गन। और जो बाकी जो इनके साथी थे उनको बोला कि आप दूसरा देखो, मैं ये देखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। दो ही वॉज नॉट इन कंडीशन ऑफ डूइंग दैट, स्टिल ही टुक दिस जॉब अपॉन हिमसेल्फ, राइट। नाउ व्हाइल ही वॉज बिजी फाइटिंग द एनिमी, अ मोर्टार शेल एक्सप्लोडेड ऑन द एम्यूनिशन नियर देम। और तभी जब ये बिजी थे लड़ाई लड़ने में दुश्मनों के साथ, एक मोर्टार शेल क्या होता है, वो जो बॉम्ब होता है, इट एक्सप्लोडेड नियर द एम्यूनिशन। एम्यूनिशन क्या होती है? स्टोर हाउस ऑफ बुलेट्स एंड अदर एक्सप्लोसिव। तो जितने भी वहाँ पे एक्सप्लोसिव पड़े थे उनके पास, वहीं पे उनका एक बम फट गया। तो ऑब्वियसली देयर वाज अ ब्लास्ट बिकॉज ऑफ दैट। हिज लास्ट मैसेज अंडरलाइन टू ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स बिफोर ही वाज किल्ड वाज, The enemies are only 50 yards from us. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to our last man and our last round. तो जब ये हुआ, फिर उन्होंने
अपनी पार्टी अपने जो हेडक्वार्टर्स थे उनको मैसेज भेजा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भेजा, क्योंकि वो तो अब नहीं उनको फाइट कर सकते थे क्योंकि देर वॉज एन एक्सप्लोजन एंड दे वर अबाउट टू डाई। फिर भी उन्होंने ये मैसेज अपने हेडक्वार्टर्स को भेजा ताकि वो तैयारी कर लें इन रेडर्स को कॉम्बैट करने की। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 50 यार्ड्स दूर रह गए हैं दुश्मन, एंड डेवस्टेटिंग क्या होती है, समथिंग दैट डिस्ट्रॉय समथिंग, यू नो, बहुत ज़्यादा भयानक आग लग गई है। इसीलिए मे बी वी विल नॉट बी एबल टू डू मच, बट फिर भी वी विल नॉट विदड्रॉ। विदड्रॉ मीन्स पीछे हटना, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा लास्ट सिपाही जिंदा है एंड जब तक हमारी लास्ट राउंड क्या होती है, बुलेट। तो जब तक एक भी गोली बचती है वी विल फाइट दी एनिमी। तो नॉट ओनली दे फॉट द एनिमी वेरी ब्रेवली विदाउट यू नो टेकिंग विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, इवन जब उनपे एक्सप्लोजन भी हो गया फिर भी दे डिड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंफॉर्मिंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डेंजर, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, by the time the relief company of 1st Battalion Kumao Regiment reached Budgam, the position had been over. So, जब तक help आई उनके पास उनके headquarters से, relief company means जो उनको राहत देने के लिए आए थे to save them, the position had been overrun. तो दुश्मन जो थे उनको पछाड़ के आगे निकल चुके थे, मतलब उन्होंने वो वाली post जो थी वो हथियार ली थी एक तरह से। However, the 200 casualties suffered by the enemy made them lose their impetus to advance. लेकिन क्योंकि मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी जो कंपनी है उनकी उनके सैनिकों ने इतनी कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की थी अपने दुश्मनों पे, मतलब 200 उनके भी मार दिए थे जो मेंबर्स थे जो कंपनी जो उनके रेडर्स जो थे, तो इसीलिए उनका इम्पेटस क्या होता है, प्रोग्रेस, तो उनकी जो आगे बढ़ने की जो प्रोग्रेस थी वो बहुत कम होगी, मतलब दुश्मन को भी बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने। नाउ द इंडियन ट्रूप्स इन द मीन टाइम फ्लू इन टू श्रीनगर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ब्लॉक्ड ऑल रूट्स टू श्रीनगर। तो उन्होंने जल्दी से श्रीनगर फ्लाई किया, वहां पे गए और वहां पे जाके सारे रूट्स जो है वो ब्लॉक कर दिए। उससे क्या हुआ, वो जो रेडर्स थे अंदर एंटर नहीं कर पाए वो श्रीनगर की टेरिटरी में, एंड इन दिस मैनर मेजर शर्मा प्रिवेंटेड द फॉल ऑफ श्रीनगर। तो पूरा श्रीनगर जो है तबाह होने से उन्होंने इस बहादुरी से बचा लिया। ही कुड नॉट सेव हिमसेल्फ बट ही सेव द होल श्रीनगर, राइट। सो दिस वॉज अबाउट मेजर सोमनाथ शर्मा। नो इसी तरह से पार्ट्स में है ये चैप्टर, एंड वी विल रीड अबाउट सेवरल अदर मार्टियर्स इन दिस चैप्टर, बट बिफोर वी मूव ऑन।